सब्सक्राइब कीजिए न्यूज एट व्यू लाइफ चैनल को और बेल आइकन पर दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है न्यूज एट व्यू लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। दरअसल दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लाइट का डुअल नेचर आ गया, और डुअल नेचर आने की वजह से, मतलब डुअल नेचर का मतलब यहाँ पे है कि लाइट का पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होता है। और जब ये हमें पता लगा तो हुआ ये कि हम पार्टिकल का ना ही हम मोमेंटम सही से फाइंड कर सकते थे, ना ही उसकी पोजिशन फाइंड कर सकते थे। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स को एक बहुत बड़ा झटका था, और इस झटके से उबारा उसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में, जब वो लेके आए अपनी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अब अगर मैं स्टेटमेंट बात करूं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, वो थी, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर प्रिसाइसली एंड साइमल्टेनियसली बोथ द मेंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ सर्टेन कैनोनिकली वेरिएबल डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट एंड एटॉमिक सिस्टम्स बिहेवियर। तो यहाँ पे दोस्तों, कैनोनिकली वेरिएबल क्या थे? कैनोनिकली वेरिएबल का मतलब था दोस्तों, यहाँ पे ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज जो आपस में रिलेट करती हों, आपस में रिलेट करने का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कहूँ पोजिशन और मोमेंटम, एनर्जी और टाइम, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजिशन, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। और इस पूरी स्टेटमेंट को मैं भी आपको समझाऊंगा। ये स्टेटमेंट कह रही है कि ये इम्पॉसिबल हो जाता है, ये इम्पॉसिबल है एक पार्टिकल के लिए, अगर हम उसका पार्टिकल का पोजिशन या फिर मोमेंटम निकालना चाहते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर कैनोनिकल वेरिएबल है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे वेरिएबल को हम एक साथ अगर निकालना चाहें तो उनकी मेजरमेंट इतनी एक्यूरेट नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए, और ना ही हम उन दोनों को एक साथ मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सिंपल जो स्टेटमेंट आई वो दोस्तों ये थी कि अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटीज, अनसर्टेनिटीज मतलब प्रोबेबिलिटीज को डिटरमाइन करना है, हमें पोजिशन या फिर मोमेंटम को डिटरमाइन करना है उस पार्टिकल की, तो वो होगी एच ऑर्डर की। इस ऑर्डर को मैं डिफाइन करता हूँ, एच ऑर्डर क्या है। तो मान लीजिए डेल्टा पी एक्स जो है वो है अनसर्टेनिटी। तो मान लीजिए अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूँ और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है मोमेंटम की वो हो जा रही है डेल्टा पी एक्स, अनसर्टेनिटी जो है मोमेंटम वो डेल्टा पी एक्स है, और पोजिशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पे जो मेरा रिलेशन बनेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से वो होगा डेल्टा पी एक्स डॉट डेल्टा एक्स, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच से, और या फिर हम मैं कहूँ वो लगभग बराबर रहेगा हमेशा एच अपॉन टू पाई, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट अपॉन टू पाई के। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में बात करूंगा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के प्रूफ के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट्स में डाल दीजिए। थैंक यू।